आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सीरीज जिसका नाम है वीक हीरो क्लास वन। शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जियोन होता है। ये एक लायक स्टूडेंट होता है और पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लिया करता था। इसकी क्लास में एक बुली लड़का भी था जो सबको तंग किया करता था। अब क्लास में जियोन को टीचर सबके सामने अवार्ड देती है क्योंकि उसके टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए थे। वो बुली लड़का सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रहा था। जियोन पर गुस्से में अपना जूता भी फेंकता है पर वो उससे सिर्फ नाराज होता है और इतना कह देता है कि आइंदा ऐसा मत करना। जियोन की बात सुनकर ये समझता है कि वो उसे धमकी दे रहा था। जियोन तो हमेशा पढ़ता रहता है इसीलिए ये किसी से भी बात भी नहीं करता और कोई भी इसका क्लास में दोस्त भी नहीं था। हमें क्लास में एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम हियुन वुक है। फिर क्लास में कुछ सीनियर्स आते हैं जो हियुन वुक को मारने के लिए आए थे। उनकी उसके साथ दुश्मनी थी। हियुन वुक जो कि क्लास में सो रहा था वो उठता है और आभासी लेकर अपना नाम बताता है। देखते ही देखते वो सीनियर्स उस लड़के पर हमला कर देते हैं। पहले तो हियुन वुक उनसे बचता है पर फिर ये अपनी लड़ाई की महारत दिखाता। ये उन्हें ऐसा मारता है ऐसा पीटता है कि वो सीनियर्स डरकर भाग जाते हैं। वो बुरी लड़का जिसका नाम बिन था जिसने ये बात सोच ली थी कि वो जियोन को सबक जरूर सिखाएगा वो इसकी किताबें छुपा देता है। जियोन जो उधर से अपनी किताबें ढूंढ रहा था वो बिन और इसके गैंग के लड़कों को अपनी किताबों के बारे में पूछता है जिस पर वो कहते हैं हमें क्या पता हमने तुम्हारी किताबें नहीं छुपाई। मगर इसे समझ आ गया था। ये उनके पास जाता है और उनसे अपनी किताबें मांगता है पर वो इसे देने से मना कर देते हैं और उल्टा उन्होंने इसे मारना शुरू कर दिया था। जियोन जो कि चुपचाप इनकी मार खा रहा था वो बिन और इसके गैंग के लड़कों को कुछ भी नहीं कहता। हालांकि जियोन की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी वो फिर भी चुप था। मगर अब ये बात भी बिन को अच्छी नहीं लगती। वो सोचता है कि अगर उसे जियोन को सच में सबक सिखाना है तो उसे ग्रेड्स यानी कि नंबर्स में हराना होगा। वो अब कुछ ऐसा करने वाला था जिससे इसके पेपर में कम नंबर आएंगे। अब बिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर से वो ड्रग्स लेता है और ये इन ड्रग्स का इस्तेमाल जियोन पर करने वाला था। अगले दिन स्कूल में एक नया लड़का आता है जो कि बहुत अमीर था। वो इस स्कूल में इसलिए आया था क्योंकि पिछले स्कूल में कुछ लड़के इसे तंग किया करते थे। अब जब बिन को ये बात पता चलती है तो वो उस लड़के के पास जाता है क्योंकि इसे समझ आ गया था कि वो अमीर लड़का डरपोक है। वो ये बात जानता था कि ये अमीर लड़का इसकी बातें जरूर मानेगा क्योंकि वो पहले ही डरकर इस स्कूल में शिफ्ट हुआ है। अब जब क्लास में पेपर स्टार्ट होने वाला था तो बिन अमीर लड़के को वही ड्रग्स देता है जो वो बाहर से लेकर आया था। उसे कहता है जैसे ही पेपर शुरू हो तुमने इस ड्रग्स को जियोन की गर्दन पर लगाना है जिससे वो हेलोसिनेट होगा और बेहोश होने लगेगा। जब पेपर शुरू होता है वो अमीर लड़का जो बिन से डरा हुआ था वो जियोन की गर्दन पर उस ड्रग्स को लगा देता है। जब जियोन पूछता है तुम क्या कर रहे हो तो वो अमीर लड़का जवाब देता है बस तुम्हारी गर्दन पर मक्खी बैठी थी मैं तो उसे ही उड़ा रहा था। अब पेपर शुरू हो गया था। जियोन को चक्कर आने लगे थे उसका सर भारी हो रहा था इसीलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये फौरन से बाथरूम में जाता है जहाँ पर जाकर इसे पता चलता है कि इसकी गर्दन पर ड्रग्स लगाए गए हैं। इसे समझ आ गया था कि ये सब किसने किया होगा। अब ये वापिस से क्लास में बिन के पास जाता है उसे और उसके दोस्तों को मारने लगता है यहाँ तक कि बिन के मुंह पर पर्दे को लपेट देता है। ये उसका गला दबा रहा था वहाँ पर उसका सांस रुकने लगा था। बिन मरने ही वाला था तभी क्लास का एक लड़का जो मार्शल आर्ट को जानता था वो जियोन को रोक लेता है। अगले सीन में हम बिन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम ये समझ रही थी कि मेरा बेटा मासूम है उसे जरूर क्लास के किसी बदतमीज लड़के ने मारा होगा। तभी उसकी मॉम के पास प्रिंसिपल आती है उनके साथ जियोन भी था। वो बिन की मॉम को वही ड्रग्स दिखाता है जो उनके बेटे ने इस पर इस्तेमाल की थी। ये सब देखने के बाद बिन की मॉम काफी शर्मिंदा थी उन्हें पता चल गया था उनके बेटे का ही कसूर था। वहीं पर बिन के पास उसका एक कजन आता है वो उसे सारी बात बता देता है क्योंकि बिन अब किसी भी हाल में जियोन से बदला लेना चाहता था। इसे अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा था जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोन अब वापस स्कूल जाता है। वहाँ पर सभी उसकी इज्जत करने लगे थे। जब वो वापस स्कूल से घर जा रहा था तो वो बुरी लड़का बिन वहाँ पर अपने कजन और दूसरी लड़कों के साथ खड़ा हुआ था। बिन का कजन जियोन को थप्पड़ मारता है और सभी लड़के अब जियोन को अपने साथ कहीं पर ले जा रहे होते हैं। ये बात अब मेरे लड़के को भी पता चल चुकी थी और वो फौरन से हियुन वुक के पास जाता है उसकी मदद लेने के लिए। हियुन वुक उसकी मदद तो नहीं करना चाहता था पर जब वो मेरे लड़का उसे पैसों की लालच देता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा मेरे साथ आओ जियोन की मदद करने के लिए तैयार थे। उधर दूसरी तरफ बिन के साथी उसे एक अलग जगह पर ले जाकर बहुत मार रहे थे। ये उनका मुकाबला करने की भी कोशिश करता है पर नहीं कर पाता क्योंकि अकेला था। तभी दूसरी तरफ अमीर लड़का और हियुन वुक इसकी मदद को आ रहे होते हैं। ये जल्दी उस जगह पर पहुंच गए थे। हियुन वुक देखते ही देखते वहाँ पर सबको मार भगाता है। बिन और उसका कजन भी वहाँ से भाग गए थे इन्होंने जियोन को बचा लिया था। हियुन वुक अब अमीर लड़के और जियोन को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ये काम किया करता था। वहाँ पर ये तीनों बैठकर खाना भी खाते हैं।
हैं। हम देखते हैं पहली बार जियोन किसी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। पहली दफा उसे लग रहा था कि वो भी किसी का दोस्त हो सकता है। अगले दिन जियोन एक स्टोर पर जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो स्टोर से चीजें चुरा रही थी। जैसे कि ये लड़की लिपस्टिक को पकड़ती है और उसके ऊपर वाले हिस्से को मुँह में डाल लेती है, ऐसे की जैसे वो लिपस्टिक को ऐसे ही बाहर ले जाना चाहती थी। जियोन उसे ऐसे काम करते देख रहा था। उसे बहुत अजीब लगती है। जब वो लड़की पकड़ी जाने वाली थी तो वो खुद को जियोन का दोस्त बता देती है। इस तरह वो स्टोर से जियोन के साथ बाहर आ गई थी। जियोन भी स्टोर वालों को कुछ भी नहीं बताता कि लड़की क्या चुरा रही थी। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस लड़की के पास अम्ब्रेला छतरी भी नहीं होती, इसलिए वो जियोन की अम्ब्रेला के नीचे आ जाती है। इस तरह से जियोन उसे घर तक छोड़ने वाला था। रास्ते में वो दोनों एक होटल में खाना भी खाते हैं। वो लड़की वहाँ पर जियोन को बताती है कि वो बिल्कुल अकेली है, उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी है और वो एक गैंग के लिए काम करती है। जियोन को ये बात नहीं पता थी कि ये लड़की भी बिन की कजन ही की दोस्त थी और बिन का कजन भी उसी गैंग के साथ काम किया करता था जिस गैंग के बारे में ये लड़की जियोन को बता रही थी। अगले दिन देखते हैं कि बिन वापस से स्कूल आता है और जियोन अब मेरे लड़के से कहता है कि वो उनकी मदद लेना चाहता है। बाद में वो इन्हें बताता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, उस पर केस हो सकता है, उसे पुलिस भी पकड़ सकती है। मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है, बस तुम्हें मेरे हक में गवाही देनी होगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इस तरह से मैं बच जाऊंगा। वो इनकी मदद चाहता था, इसीलिए वो इनके सामने घुटनों के बल भी बैठ जाता है। आखिरकार ये उसको ऐसे रोता हुआ और उसकी ऐसी हालत देखकर मान जाते हैं। अब ये इन दोनों को कार पार्किंग एरिया में लेकर जाता है जहाँ पर गैंग का वही लीडर था जिसके लिए इसका कजन और वो लड़की जॉन को जो स्टोर पर मिली थी इसी लीडर के साथ काम किया करते थे। अब लीडर यहाँ पर इन तीनों से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत से आदमी जख्मी हुए हैं, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे पैसे दे दो। वो गैंग का लीडर बहुत ही खतरनाक आदमी था, इसीलिए ये अब डर चुके थे। वो अमीर लड़का जो इस बात से डरा हुआ था कि कहीं ये बात इसके डैड को ना पता चल जाए, इसीलिए ये रात को अपने डैड के कमरे में जाता है और उनकी महंगी घड़ी को चुरा लेता है। अगले दिन जाकर वो घड़ी ह्यून-वुक और जियोन को देता है। कहता है कि हम इसे बेच देंगे और पैसे लेकर उस लीडर को दे देंगे जिससे हमारी जान बच जाएगी। पर जियोन कहता है उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो गैंग का लीडर कैसा है क्योंकि मुझे एक लड़की ने इसके कामों के बारे में बताया था। जियोन उसी लड़की की बात कर रहा था जो उसे स्टोर पर मिली थी। वो कहता है हम अगर उस गैंग के लीडर का काम पुलिस को बता दें और इस तरह से वो गैंग का लीडर पकड़ा जाएगा। इन सब में वो लड़की भी जियोन का अब साथ दे रही थी क्योंकि वो भी उस गैंग के लीडर के लिए काम कर करके तंग आ चुकी थी। ये अब उस लीडर को कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देना चाहते हैं, इसीलिए उसे एक जगह पर पहुंचने का कहते हैं। वो गैंग का लीडर अब अपने आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर ह्यून-वुक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन सी ऐप चलाते हो और किस तरह से नौजवानों को लूटते हो। मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊंगा बल्कि तुम्हारा इस ऐप को चलाने में मदद करूंगा और इसे और भी बेहतर बना दूंगा। गैंग का लीडर ये सुनकर खुश हो जाता है और इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया था। ह्यून-वुक ने स्मार्ट घड़ी पहनी हुई थी। जब लीडर इसे अपनी जगह पर लेकर जाता है तो ये अपने दोस्तों को अपनी लोकेशन भेज देता है, मगर गैंग का लीडर को ये बात पता चल चुकी थी। वो ह्यून-वुक को मारना शुरू कर देता है। जब अमीर लड़के को ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त मुसीबत में है, वो पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच गया था, मगर वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। अब बस जियोन ही रह गया था। वो नहीं जानता था कि उसके दोस्त कहाँ पर हैं। गैंग का लीडर बिन की कजन को भी कॉल करके बुलाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। बिन की कजन के पास उसी लड़की की कॉल भी आती है जो उसे कहती है कि तुम उस जगह पर अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस लड़की को जब जियोन कॉल करता है तो वो लड़की इस गैंग के लीडर का पता बताकर कहती है कि तुम वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँच जाना। बिन का कजन उस लड़की के साथ गैंग के लीडर के पास पहुँच जाता है। अब गैंग लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बिन के कजन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अकेले बुलाया था, तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले आए हो, इसलिए गैंग का लीडर उस लड़के को भी मारने लगता है। पर वहाँ तभी पुलिस आ गई थी और जियोन भी आ गया था। पुलिस के आने की आवाज को सुनकर गैंग के सभी लोग डर कर भाग गए थे। जियोन अपने दोस्तों को आजाद करवाता है, पर तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद दोबारा से गैंग का लीडर और उसके आदमी वापस आ जाते हैं। लीडर को ये बात पता चल गई थी कि जियोन ने अपने फोन में पुलिस के सायरन की रिंगटोन को लगाया था। पुलिस तो आई ही नहीं थी, इसीलिए दोबारा से दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर कुछ ही देर में यहाँ पर सच में पुलिस आ गई थी और फिर सभी को पुलिस पकड़ लेती है सिवाय उस लड़की के जो भाग गई थी, मगर अमीर लड़के का वकील दोनों को छुड़वा लेता है। हम जियोन और अमीर लड़के को देखते हैं जो ह्यून-वुक के पास बैठे हुए थे। ह्यून-वुक काफी जख्मी था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लड़ाई की थी, उसकी हालत खराब थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। उसको हंसता देख जियोन भी मुस्कुराता है। इन दोनों ने पहली बार जियोन को हंसते हुए देखा था। दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी दूसरी तरफ मैं एक्सप्लेन करूंगी गर्ल फ्रॉम नोवेयर की एपिसोड जिसका नाम है हाई सू।
कहानी के शुरू में हमें एक लड़की नैनो दिखाई जाती है। ये स्कूल में नई आई थी। एक लेडी उसको स्कूल दिखा रही थी। इस स्कूल में ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। नैनो उस लेडी से कहती है, मुझे स्कूल में एक कमरा किराए पर चाहिए, मैं वहाँ पर ऑफिस बनाना चाहती हूँ, उस कमरे का मैं आपको किराया दूंगी। वो लेडी मान जाती है, नैनो को एक कमरा दे देती है। हम देखते हैं कुछ ही देर बाद उस कमरे को नैनो ने एक ऑफिस में तब्दील कर दिया था। फिर हमें आगे एक और स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम डीडू होता है। वो बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा था। यूके से वापस आया है और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे तोहफे भी लाता है। फिर डीनू का एक और दोस्त आता है, वो भी सबके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया था। दरअसल इनके दोस्तों ने इन दोनों के दरमियान में मुकाबला रखा हुआ था कि कौन ज्यादा तोहफे लेकर आएगा। इस मुकाबले में डीनू जीत जाता है। वही सबके लिए बहुत ज्यादा तोहफे लेकर आया था। डीनू ही इनकी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर लड़का था। इन सबके बाद इनकी क्लास में वही नई लड़की नैनो आती है। फिर साथ ही टीचर आती है जो सबके टेस्ट के रिजल्ट लेकर आई थी। डीनू के बहुत अच्छे ग्रेड आए थे, पर जो उसके पीछे लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम पॉप था, उसके अच्छे नंबर नहीं आते। वो डीनू के नंबर देखकर परेशान हो गया था। वो सोचता है कि मेरे अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आए। तभी उसे नैनो देखती है और कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मेरे पास है, और इन्हें अपने ऑफिस में आने का कहती है। कुछ देर के बाद ये सब नैनो के ऑफिस में जाते हैं। वो पॉप से उसका रिजल्ट कार्ड लेती है। वो उसे एक मशीन में डाल देती है जिससे वो रिजल्ट कार्ड टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये सब परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैनो पॉप को वैसा ही पेपर देती है जो बिल्कुल पहले जैसा था। उसमें पॉप के ग्रेड्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो सोचता है उसके मॉम डैड अब उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, ना उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक नकली रिजल्ट कार्ड है। नैनो सबसे कहती है, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का हल मेरे पास है। सब पूछते हैं तुम क्या क्या कर सकती हो, जिस पर वो मुस्कुराती है और कहती है सब कुछ। फिर नैनो के पास एक और स्टूडेंट आता है और कहता है कि पहले मैं जिस लड़की को पसंद करता था अब वो किसी और को टाइम देती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की को सजा दूँ। नैनो कहती है तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वही लड़की जो अब किसी और लड़की के साथ थी, वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। इन सब कामों से नैनो बहुत मशहूर हो जाती है। उसके ऑफिस के बाहर अब स्टूडेंट्स की लाइन लग गई थी जो कि अब इससे अपनी प्रॉब्लम्स को हल करवाना चाहते थे, और ये बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करती थी। मगर एक स्टूडेंट इसके पास नहीं आता और वो था डीनू। ये उसके पास जाती है और कहती है तुम मेरे पास अभी तक अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आए। तभी डीनू के पीछे से पॉप कहता है इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत अमीर है। अगर हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम इसके पास जरूर आ सकती हो। नैनो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो जेलस हो गई थी। अब वो डीनू के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन जब सभी दोस्त जापान के टूर पर जाने की बात करते हैं तो तब यहाँ पर नैनो इनसे कहती है क्यों ना तुम सब मिलकर डीनू के घर खाने पर जाओ। ये सुनकर तो डीनू हैरान और परेशान हो गया था। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि कोई भी दोस्त उसके घर पर आए। सब दोस्तों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है हाँ हम डीनू के घर आना चाहते हैं, पर डीनू उन्हें मना कर देता है, जिस पर वो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं पर क्यों, जिस बात पर डीनू उन्हें जवाब देता है इसलिए क्योंकि तुम मेरे घर आकर मेरी कीमती चीजों को तोड़ सकते हो, उन्हें नुकसान पहुंचाओगे, और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मेरे मॉम डैड मुझ पर गुस्सा होंगे। मगर अब डीनू के दोस्त उसके घर आने की बार बार जिद करते हैं और उसे नाराज भी हो गए थे ये कहकर कि शायद तुम तो हमें अपना दोस्त ही नहीं समझते हो। अब जब डीनू ये देखता है कि इसके दोस्त उससे नाराज हो रहे हैं तो ये मजबूरी में हाँ बोल देता है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर को अपने घर का पता बताता है। ड्राइवर इसे इसके घर पर छोड़कर चला जाता है। जैसा हमने सोचा था कि डीनू बहुत अमीर होगा, इसका घर महलों जैसा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो असलियत में बहुत ज्यादा गरीब था। इसके मॉम डैड तो दिन रात इसकी पढ़ाई के लिए बहुत सख्त मेहनत किया करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वो इसे घर के काम तक नहीं करने देते थे। वो चाहते थे कि बस ये पढ़े और अपना फ्यूचर आने वाले कल को अच्छे से बनाए, पर इसने अपने दोस्तों के सामने झूठ बोल रखा था कि ये अमीर माँ बाप का बेटा है। अब डीनू बहुत परेशान था क्योंकि वो जानता था इसका झूठ अब सबके सामने आने वाला है कि वो अमीर नहीं बल्कि बहुत ही गरीब है। डीनू बहुत सोचता है। आखिरकार वो ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों को मना कर देगा कि वो उन्हें अपने घर नहीं ले जा रहा। तभी ग्रुप में नैनो का मैसेज आता है। वो सबसे कह रही थी फिर क्या सोचा तुमने, क्या प्लान है तुम्हारा, तुम सब डीनू के घर जा रहे हो ना। इससे पहले डीनू कुछ कहता बाकी के दोस्त भी ग्रुप में मैसेज करने लगते हैं। वो डीनू के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और एक दूसरे से ये कह रहे थे कि वो उसके घर पर कौन से कपड़े पहन कर जाएंगे। कुछ ही देर में इन सब ने ये फैसला कर लिया था कि वो डीनू के घर लास्ट में जाएंगे। हालांकि अभी इसने उन्हें कुछ कहा भी नहीं था, अब ये उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ये अब नैनो
को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक घर किराए पर चाहिए। वो घर बहुत ही प्यारा होना चाहिए और वो घर मैं बस एक ही दिन के लिए दूंगा। वो कहती है पर क्यों डेनू? कहता है मैं अपने दोस्तों को अपने घर नहीं लेकर जा रहा, कहीं वो मेरे घर की महंगी चीजों को खराब ना कर दें। वो नैनो से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए कॉल की है कि तुम मेरी मदद करो। वो कहती है ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं किराए पर तुम्हें घर लेकर दूंगी। वो बदले में इससे पैसे भी मांगती है। वो साथ ही ये भी कहती है कि तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है, किसी को भी तुम्हारी इस राज के बारे में नहीं बताऊंगी। डेनू भी मान जाता है। अब सवाल ये था कि इतने सारे पैसे ये कहाँ से लेकर आएगा? अब ये क्या करता है? ये अपने मॉम डैड के पैसे चोरी करने चला जाता है। तभी इसे उनकी आवाज़ आती है जो दूसरे कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे योन के बारे में। वही कर्ज जो इस महीने वो अदा कर देंगी क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वो खुश थे कि आखिरकार वो कर्ज इनके सर पर से अब उतर जाएगा। ये सोचता है कि इतनी मेहनत करके मेरे मॉम डैड ने पैसे कमाए हैं और मैं इन्हें चोरी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसीलिए ये पैसे रखने लगता है। पर फिर इसे सोच आती है अपने दोस्तों के बारे में कि वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो इसे झूठ और फरेबी बुलाएंगे। ये फंस चुका था इसीलिए जो पैसे ये रखने वाला था उन्हें ये दोबारा से उठा लेता है और फिर ये रातों रात बैंक जाकर वहाँ से भी कुछ पैसे निकलवाता है। जब ये अपने सारे काम करके घर वापस आता है तो इसके डैड ने इसे देख लिया था मगर ये पकड़ा नहीं जाता और ना ही उन्हें इस पर शक होता है। अगले दिन नैनो इसको घर दिखाती है जो उसने इसे किराए पर देना था। वो कहती है ये घर ठीक है? डेनो कहता है हाँ ठीक है पर मेरे घर से थोड़ा सा छोटा है। फिर हम देखते हैं कि इसके दोस्त अब इसके घर आ गए थे। ये उनके सामने सोफे पर ऐसे बैठा था जैसा कि बहुत ही अमीर हो। फिर नैनो घर के नौकरों को बुलाती है। उन्हें तो देखकर डेनू के पसीने छूट गए थे क्योंकि इसे पता चलता है कि जो नौकर बनकर यहाँ पर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि इसके मॉम डैड थे। जिन पैसों को ये चोरी कर लाया था वो उन्हीं पैसों को पूरा करने के लिए यहाँ पर काम करने आए थे। ये शर्मिंदा हो जाता है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसे ऐसा लगता है कि इसका राज अब तो बस सबके सामने आ जाएगा मगर बेचारे इसके मॉम डैड इसकी इज्जत के लिए इसके दोस्तों के सामने कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद इसके दोस्तों को डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है और उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं, इन्हें ड्रिंक भी पिलाई जाती है। जब ये उसे पीते हैं तो इन्हें पता चल गया था कि ये सिर्फ एक फ्रूट जूस है। वो सभी नौकर यानी कि डेनू के डैड पर गुस्सा करने लगते हैं जिस पर डेनू के डैड इनसे कहते हैं कि बच्चों अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम शराब पियो। तभी ये बात सुनकर पॉप को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप होते कौन है, आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। डेनू भी वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता हालांकि वो देख रहा था कि उसके दोस्त उसके डैड की बेइज्जती कर रहे थे मगर वो खामोश रहता है। बाद में इसके दोस्त ये भी कहते हैं कि हमें वाइन पीनी है। डेनू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचता है कि अब इसके दोस्त इसके मॉम डैड के सामने वाइन पियेंगे, इसे भी पीनी पड़ेगी। और अब ऐसा ही होता है, इसके मॉम डैड वाइन लेकर आते हैं, डेनू को भी अपने दोस्तों के साथ पीनी पड़ती है। मगर इन सब में हम देखते हैं कि डेनू के दोस्त इसके मॉम डैड की बहुत बेइज्जती कर रहे थे और वो उन्हें कुछ भी नहीं कह रहा था। यहाँ पर हर चीज से बचने के लिए डेनू अपने दोस्तों से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से दूसरे कमरे में जाना होगा। वहाँ जाकर भी वो डेनू के मॉम डैड के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं देखो डेनू के नौकर कितने बदतमीज हैं। अब यहाँ पर ये गेम खेलते हैं, एक गन लेते हैं और बारी बारी शूट करते हैं। उन्हें पता था कि गन में गोली नहीं है पर अब वो रिस्क लेना चाहते थे। बारी बारी सब अपने सर पर गन रखते हैं और उसे चलाते हैं। जब डेनू की बारी आती है तो वहाँ पर उसके डैड आ गए थे और वो उन सब बच्चों से कहते हैं कि तुम इस तरह की खतरनाक गेम क्यों खेल रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मॉम डैड तुम सबसे कितना प्यार करते हैं और तुम ऐसी गेम्स खेल रहे हो। ये बात तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहाँ पर डेनू का दोस्त पॉप उसके डैड से झगड़ा करने लगता है, यहाँ तक कि वो डेनू के डैड को नीचे गिरा देता है। ऐसा लग रहा था कि डेनू के डैड मर चुके हैं। तभी वहाँ पर डेनू की मॉम भी आ जाती हैं जो आकर गन पकड़ कर कहती हैं कि कोई भी मेरे हस्बैंड के करीब नहीं आएगा। मगर पॉप जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो डेनू की मॉम को भी गिरा देता है। अब सबको ये लग रहा था कि उन्होंने डेनू के नौकरों को मार दिया। वो सब परेशान खड़े थे, डेनू तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे करना क्या चाहिए। यहाँ पर हम पीछे खड़ी नैनो को देखते हैं जो इन सब पर हंस रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये सारा तमाशा जानबूझकर देखना चाहती थी। वो डेनू की असलियत के बारे में पहले ही जान चुकी थी। हम डेनू को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गया था। वो सामने अपने मॉम डैड को देखता है जो टेबल पर बैठे थे, वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलता। ये उनके सामने बिल्कुल खामोश था क्योंकि ये बहुत शर्मिंदा था। इसके मॉम डैड इसे कहते हैं कि बेटा जाओ और जाकर कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो। दरअसल इसके मॉम डैड बस बेहोश हुए थे जब पॉप ने उन्हें धक्का दिया था और जब इन्हें होश आया तो इन्हें मुंह न खोलने के लिए पहले से भी ज्यादा पैसे दिए गए। फिर वही पैसे लेकर ये घर आ गए। आखिर में हम देखते हैं डेनू के मॉम डैड जो कि जख्मी थे उनके चेहरे पर
पर बहुत से निशान थे। ये सब उनके साथ डीनू के दोस्तों ने ही किया था। वो बेचारे बस अपने बेटे डीनू के साथ बैठे खाना खा रहे हैं और इनके साथ वाले टेबल पर वही पैसे पड़े थे जो कि ये कमा कर लाए थे। तो आप जैसे भी है हमेशा खुश रहें, किसी के सामने भी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश मत करें। और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।